गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ईवीएस यूनिट 2 में दिस इज पार्ट 8 नेचुरल रिसोर्सेज में ये फिफ्थ रिसोर्सेज है लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, लैंड रिसोर्सेज के बाद हम एनर्जी रिसोर्स को डिस्कस करेंगे, देन यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में एमसीक्यू ऑफ यूनिट 1 और एमसीक्यू ऑफ यूनिट 2 को अपलोड करेंगे। नाउ लैंड रिसोर्सेज क्या होता है? लैंड रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज एज ह्यूमन लिव ऑन इट एंड ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर नीड्स फ्रॉम लैंड। इट इज मदर ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज और बायोस्फीयर। ठीक है, इट इज लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ एंड सर्वाइवल। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन लैंड रिसोर्सेज। सभी हम लोग मेस्टली डिपेंड किस पे करते हैं? लैंड रिसोर्स पे। इट फॉर्म्स अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस, कवरिंग अप्रॉक्सिमेटली 13,393 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है, पूरी अर्थ अप्रॉक्सिमेट 1/5 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द लैंड। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सो मैनी एक्टिविटीज आर सपोर्टेड इन द लैंड। द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड डिपेंड्स अपॉन फिजिकल फैक्टर्स लाइक टोपोग्राफी, फिजिकल एक्टिविटीज, सॉइल एंड क्लाइमेट, एज वेल एज अपॉन ह्यूमन फैक्टर्स सच एज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ड्यूरेशन ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द एरिया, लैंड टेन्योर एंड टेक्निकल लेवल ऑफ द पीपल। ठीक है, दीज आर द सम कॉमन facts of the land resources. The basic function of land is supporting human and other terrestrial ecosystem are given below. Land is a store of wealth in its own. Land is a storehouse of minerals and raw material for the human use. Land helps in the production of food, fiber, fuel and others. Land is the biological habitat for many plants, animals and microorganisms. Land regulates flow of surface water and store groundwater. ठीक है, तो there are so many basic needs of the land. तो बहुत से basic functions हैं land के। General topography of land. तो यहाँ पे जो मैंने topography discuss की है वो India के discuss की है। India is the main land comprises of 4 broad geographical area. ठीक है, तो India की topography को mainly 4 ज्योग्राफिकल एरिया में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स, नंबर 2 इज द ग्रेट प्लेन्स, थर्ड 1 इज द डेक्कन पेनिनसुला एंड फोर्थ 1 इज द कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा हिमालय जोन से लेके बाउंड्रीज ऑफ नॉर्दर्न इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर प्रदेश, ये सभी एरिया किस में आती है? नॉर्दर्न माउंटेन एरिया में। द ग्रेट प्लेन्स ऑल्सो नेन एज इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में मेनली दिस इज द कंसिस्ट ऑफ द थ्री बेसिक ऑफ थ्री रिवर्स, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, इन तीनों रिवर का यहाँ पे मेनली इस प्लेन पर रहता है। प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम द राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड दिल्ली एंड मेजर पार्ट ऑफ द यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ द असम आल्सो। ठीक है, तो ग्रेट प्लेन्स में ये एरियाज आती हैं। एंड डेक्कन पेनिनसुला, डेक्कन मीन्स होता है साउथ, डेक्कन वर्ड संस्कृत का वर्ड है, डेक्कन मीन्स होता है दक्षिण, दक्षिण मीन्स साउथ। ठीक है, तो डेक्कन पेनिनसुला में दिस जोन कवर्स द साउथ इंडिया मेनली। ठीक है, मेनली तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वाइजैग, केरला वगैरह, पांडुचेरी, ये सब इसी में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड। तो स्पोर्ट पार्ट इज द कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड, इट कवर्स ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है, मेनली ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कोस्टल प्लेन्स में आ जाते हैं। द वेस्टर्न घाट कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है कहाँ से? वेस्टर्न घाट से लेकिन अरेबियन सी तक होते हैं। व्हेयरएज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन फेस बाय वे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। ठीक है, तो वे ऑफ बंगाल और ईस्ट तक है। लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड
ऑल्सो कॉल्ड एज सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉइल डिग्रेडेशन। दीज आर द सिमिलर टर्म्स, या तो हम लैंड डिटेरियोरेशन कहेंगे या सॉइल डिटेरियोरेशन कहेंगे, दोनों ही सिमिलर टर्म है। तो डिटेरियोरेशन या डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्वालिटी, मेनली सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, उसका मास भी डिक्रीज हो जाता है, एंड वॉल्यूम एंड अदर टेक्सचर है, कंपोनेंट्स है, कंपोजिशन है, सो मेनी फैक्टर्स आर डिटेरियोरेट। लैंड रिसोर्सेज आर अंडर स्ट्रेस एंड द वर्ल्ड इज फेसिंग आउटकम ऑफ डिक्लाइन क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो डे बाई डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो लैंड रिसोर्सेज भी क्या हो रहे हैं, अंडर स्ट्रेस में आ रहा है। जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज्यादा ओवर एक्सप्लाइटेशन ऑफ यूजेस होगा। ओवर एक्सप्लाइटेशन ऑफ यूज होने की वजह से ही क्या होगी, ये रिसोर्सेज धीरे धीरे कंज्यूम बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और उनकी कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से ये डिक्लाइन होते रहेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज लैंड डिग्रेडेशन, इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर लैंड, तो मेन कॉज इसका पॉपुलेशन भी है। फॉर डायरेक्ट कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन के डायरेक्ट कॉजेस क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। फर्स्ट कॉज तो डिफॉरेस्टेशन है लैंड डिग्रेडेशन का, एंड रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो भी है वो सब रिमूव हो जाती है, नेचुरल वेजिटेशन है, इवन मेडिकेटेड जो प्लांट्स है वो भी रिमूव हो जाते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुड कवर फॉर डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज के लिए हम बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा है तो यूज भी बहुत ज्यादा होगा। ओवर ग्रेजिंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट लैंड डिग्रेडेशन कॉजेस। सॉइल कंपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि वैसे तो सॉइल कंपोजिशन पता है, इसमें क्या क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है, ठीक है। तो सॉइल की कंपोजिशन भी डिग्रेडेड हो रही है डे बाय डे। मिनरल्स मटेरियल्स लाइक एलिमेंट, सिल्कन, आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम, एंड फाइनली डिवाइडेड क्वार्ट्ज, SiO2, आयरन सिलिकेट्स एंड एल्युमिनियम सिलिकेट्स प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मिनरल मटेरियल्स, एंड सम अदर मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम आर हेल्ड एट द सरफेस ऑफ ऑल द सिलिकेट क्लेस, ठीक है। सिलिकेट की क्ले पे भी ये मटेरियल्स पाए जाते हैं। दीज आर नॉट लीज्ड बाय वाटर, ठीक है, दीज आर नॉट लीज्ड बाय वाटर एंड आर एक्सचेंज्ड, दस दे आर अवेलेबल एज प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये हम प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में सॉइल में अवेलेबल रहते हैं। सेकेंड वन इज द ऑर्गेनिक मैटर, फर्स्ट इज द मिनरल मटेरियल प्रेजेंट इन द सॉइल, सेकेंड इज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर कैन बी क्रॉप रेजिड्यू, वीड्स, ग्रासेस, बैक्टीरिया, फंगाई एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड एनिमल मैन्योर्स, ठीक है। ये सब ऑर्गेनिक मैटर होता है जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, दे कम फ्रॉम द रेजिड्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो सॉइल में ये कहाँ से आएंगे, प्लांट्स और एनिमल्स से आते हैं। दे प्रोवाइड फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, द सॉइल प्रोडक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय देम, ठीक है। सॉइल की प्रोडक्टिविटी मेनली इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर से कंट्रोल रहती है। दे प्रोवाइड ए स्टोर हाउस फॉर न्यूट्रिएंट्स, तो ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं क्या कर रहे हैं, स्टोर हाउस फॉर न्यूट्रिएंट्स, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स मेनली ऑर्गेनिक मैटर से ही कंप्लीट होते हैं। दे इंक्रीजिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होंगे वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सॉइल इज द वाटर, वाटर इट इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर मेनी न्यूट्रिएंट्स व्हिच मूव इनटू प्लांट रूट्स। वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द प्रॉपर फॉर्म एंड पोजिशन ऑफ लीव्स एंड न्यू शूट्स फॉर कैप्चरिंग सनलाइट एंड सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ, ठीक है। तो प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और प्लांट्स की मेनली ग्रोथ के लिए वाटर इज एसेंशियल फैक्टर, वाटर एंड एयर बोथ आर एसेंशियल फैक्टर, एंड सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल मैटर, वाटर एंड एयर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एयर, सॉइल एयर इंक्रीज ऑप्टिमम रेट ऑफ एसेंशियल मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसकी वजह से जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसमें सॉइल में वो अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस को आराम से कर सकते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। सॉइल टेक्सचर कंट्रोल्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू प्लांट ग्रोथ, सॉइल का टेक्सचर के अकॉर्डिंग जैसे सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, लोमी सॉइल है, ग्रेनी सॉइल है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्लांट की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। प्लांट की कल्टीवेशन टाइप भी डिपेंड करती है, किस टाइप की सॉइल किस टाइप के प्लांट में कल्टीवेट करते हैं, हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, कुछ ही पॉइंट्स मैंने लिए हैं। जैसे सॉइल टेक्सचर की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ में एरेशन ज़्यादा हो जाएगा, अवेलेबिलिटी एंड मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, कंटेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होते हैं, वर्केबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। सैंडी सॉइल
कल्टीवेबल क्रॉप पीनट्स बार्ले ग्राम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सैंडी लोमी सॉइल भी पीनट्स बार्ले ग्राम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। लोमी टू मॉडरेट हैवी लोम सभी क्रॉप के लिए ठीक है अवेलेबल रहती है। लोमी टू मॉडरेट हैवी लोम और क्ले सुटेबल फॉर राइस एंड सुगर के लिए कल्टिवेशन के लिए यूजफुल रहती है। एंड क्ले सॉइल इज ऑनियन कैरेट एंड मेनी ग्रेन क्रॉप्स के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मींस क्या होता है कि इरोडेड मींस होता है सॉइल का डिस्प्लेसमेंट। सॉइल अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस में चली जाती है उसको इरोजन कहते हैं। तो मेनली सॉइल का इरोजन वाटर एंड विंड के थ्रू होता है ठीक है। तो सॉइल इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ सॉइल और जियोलॉजिकल मटेरियल फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस टू बी डिपॉजिटेड एल्सवेयर ठीक है। अपनी जगह से हटके दूसरी जगह पे डिपॉजिटेड हो जाती है। इट इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। नॉर्मली सॉइल इरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस। सॉइल इरोजन क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमेना है विच अकर ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल। टाइम धीरे धीरे सॉइल इरोजन अपने आप भी होता रहता है। इट अकर्स बिकॉज ऑफ वेरियस फिजिकल फोर्सेस सच एज रेनफॉल फ्लोइंग वाटर विंड टेम्परेचर चेंज ग्रेविटी एक्स्ट्रा ठीक है। इसकी वजह से नेचुरल फिनोमेना इसकी वजह से रेनफॉल की वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। वाटर फ्लो से भी सॉइल इरोड होकर दूसरी जगह पे कलेक्ट हो जाएगी। विंड टेम्परेचर चेंज ग्रेविटी की वजह से भी बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी ह्यूमन बींग की एक्टिविटी से भी इसके सॉइल इरोजन हो सकता है। रेट ऑफ सॉइल इरोजन सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस कंपेयर टू द नेचुरल रेट एंड बिकम्स ए प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ठीक है। ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो रही है ह्यूमन एक्टिविटी तो उसकी रेट ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा है सॉइल इरोजन को। द नेचुरल फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन आर विंड एंड वाटर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था विंड से और वाटर से सॉइल मोस्टली इरोडेड होती है। विंड वेलोसिटी एंड रेन इज प्लेस डिसलॉस सॉइल पार्टिकल्स दैट इनिशियली फ्लाई थ्रू द एयर सॉल्टेशन इसे बोलते हैं। स्लो वॉशेज कॉजेज ओवरफ्लो ओवरलैंड फ्लो वेव मोशन इन स्ट्रीम्स रिवर एंड लेक्स कॉजेज लंपिंग ऑफ बैंक मटेरियल। The important factors responsible for soil erosion: overgrazing, overcultivation, and deforestation. There are three important factors. They are responsible for the soil erosion. Landslides क्या होता है? Landslides means उस place से land भी थोड़ा सा dislocate हो जाती है, displace हो जाती है. A landslide means ground movement in offshore, coastal, and onshore environment. ठीक है? तो क्या है ग्राउंड मूवमेंट है। दिस जियोलॉजिकल फिनोमेना इंक्लूड डीप फेलियर ऑफ स्लोप्स रॉक फॉल्स एंड शैलो डेब्रिस फ्लोस कॉजेस व्हेन द स्टेबिलिटी ऑफ ए स्लोप चेंजेस फ्रॉम ए स्टेबल टू एन अनस्टेबल कंडीशन ठीक है। तो स्टेबल से एक अनस्टेबल कंडीशन पे आते हैं या डिस्टेबल कंडीशन पे आते हैं तो क्या होता है लैंडस्लाइड विल अकर लैंडस्लाइड हो जाता है। तो ये ह्यूमन कॉजेस से भी हो सकता है और नेचुरल कॉजेस से भी हो सकता है। नेचुरल लैंडस्लाइड इंक्लूड ग्राउंड वाटर प्रेशर एक्टिंग टू डिस्टेबलाइज द स्लोप अर्थक्वेक एडिंग वेट टू वैले स्टेबल स्लोप अर्थक्वेक कॉजिंग लिक्विफिकेशन डिस्टेबलाइजिंग स्लोप्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन ये सब इसमें लैंडस्लाइड अर्थक्वेक के लिक्विफिकेशन से हो सकती है वॉल्केनिक इरप्शन से हो सकता है एंड ग्राउंड वाटर प्रेशर से हो सकता है नेचुरल लैंडस्लाइड। बट ह्यूमन लैंडस्लाइड कैसे होंगी डिस्टेबलाइजिंग ऑलरेडी फ्रेगलाइजिंग ठीक है डिस्टेबलाइजिंग जो ऑलरेडी फ्रेगाइल स्लोप्स है जो ऑलरेडी थोड़ा सा ब्रोकेबल है उस स्लोप को हम इस डिसलोकेट करते हैं तो ह्यूमन बींग्स के द्वारा होते हैं। ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड वाइब्रेशन फ्रॉम मशीनरी बहुत सी मशीनरी वाइब्रेशन से भी क्रैक्स पड़ जाते हैं लैंडस्लाइड्स हो जाती है और रॉक बोरर हम पत्थरों को तोड़ते हैं और माउंटेन्स को रास्ता बनाने के लिए भी हम वहाँ पे बोर करते हैं तो वहाँ से भी ब्लास्टिंग करते हैं इस सब से भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। द रिमूवल ऑफ डीप रूटेड वेजिटेशन दैट बींड्स कलम द बेडरॉक इन शैलो सॉइल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए एग्रीकल्चर वर्क के लिए और फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए भी लैंडस्लाइड्स इसके लिए भी हम यूज करते हैं तो वो भी यूज लैंडस्लाइड्स हो सकती है। चेंजेस द अमाउंट ऑफ वाटर विच इन्फिल्ट्रेट्स द सॉइल। नेक्स्ट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन मीन्स वही डिजर्ट का बनना यानी लैंड डिग्रेडेशन होना means irreversible decline the biological potential of the land. It is a process in which the soil loses its productivity and becomes infertile. ठीक है desertification means क्या होता है soil अपना जो भी
उसकी प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है और वो इनफर्टाइल हो जाती है, यानी क्रॉप के प्रोडक्टिविटी रेशियो भी बहुत कम हो जाएगा। कॉजेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन का मेन कॉजेज क्या है? नेचुरल एंड मेन मेड, नेचुरल भी है कुछ मेन मेड दोनों कॉजेज हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज नेचुरल कॉज, डिफॉरेस्टेशन नेचुरल कॉज भी है मैन मेड भी है, ओवर कल्टिवेशन, ओवर ग्रेजिंग, डैम कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब मैन मेड कॉजेज हैं दैट कॉज द डिजर्टिफिकेशन। एफर्ट्स टू प्रिवेंट डिजर्टिफिकेशन, हाउ वी कैन प्रिवेंट डिजर्टिफिकेशन? वी कैन प्रिवेंट डिजर्टिफिकेशन बाय द सस्टेनेबल यूजेज ऑफ अवेलेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को हम सस्टेनेबली यूज करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ लैंड यूज एंड फार्मिंग टेक्निक्स, जो भी हम फार्मिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में उसको ढंग से मैनेज करेंगे। कंट्रोल ऑफ ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करके रखेंगे, पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करके रखना है। मैनेजिंग स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर टेक्निक्स फॉर इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जनरेशन ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, जो मतलब हम लोगों को अगर अवेयर रहेंगे, अपने ढंग से यूज करेंगे रिसोर्सेज को, कंज्यूम करने की एफिशिएंसली कंज्यूम करेंगे तो हमारे पे रिसोर्सेज अवेलेबल है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में मेनली जो लैंड यूज पैटर्न है वो, इंडिया हैज ए वेरिड लैंड यूज पैटर्न गिवन द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। नेट सोन एरिया इज 46%, तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट टेरेन इन इंडिया 46% सोन एरिया। उसके बाद अबाउट 22% ऑफ द एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट कवर। ठीक है, 22% फॉरेस्ट कवर है, बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड। ठीक है, इस लैंड पे कुछ भी नहीं होती, ना ग्रोथ होती है, ना ही मतलब खाली पड़ी हुई जगह है, वो 8.5% है। अबाउट 5.5% इज अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस लाइक हॉर्सेस, इंडस्ट्री यूज पे 5.5% यूज करते हैं। रेस्ट ऑफ द एरिया इज अंडर ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स के लिए यूज करते हैं। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी रिसोर्सेज है। एनर्जी रिसोर्स बहुत बड़ा टॉपिक है, मे बी 45 से 50 मिनट तक का टॉपिक हो जाए, एक बार ही एक ही लेक्चर में मुझे कवर करना है पूरा एनर्जी रिसोर्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इवन एनर्जी रिसोर्स से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, और एनर्जी रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं नेक्स्ट कल परसों 2-3 दिन के अंदर उसको अपलोड कर दूंगी। और मैं यूनिट 1 के सभी MCQ एंड यूनिट 2 के भी सभी MCQ जितनी जल्दी होंगे पॉसिबल होंगे आपको अपलोड करके दे दूंगी। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए, मुझे अच्छा लगता है। इवन वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है, कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट भी करने को लग रहा है तो आप उसको लिखिए। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर।